मेरा नाम भीम प्रसाद बसोड़े सर। तो आप कहाँ गए थे? मैं उड़ीसा के पास बॉर्डर है, कलेंडा, ये मतलब यहाँ से टांगुल बोलते हैं। तो यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में कितने दिनों से हैं आप लोग? यहाँ पर सर जी, यहाँ पर मेरे को आज नौ दिन कट रहे हैं। ये बताइए, यहाँ खाने पीने की किस प्रकार से व्यवस्था है? खाना पीने की व्यवस्था नहीं है, पड़ोसी वाले या रिलेशन के हैं तो ला देते हैं। आपका कहना है कि जो है आप लोग जुगाड़ के भरोसे हैं यहाँ पर? हाँ, जुगाड़। तो सरपंच यहाँ पंचायत के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुविधा है आप लोगों को? नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, बाहर से देखते हैं, दूर चले जाते हैं। ये बताइए, यहाँ मेडिकल की टीम आई है क्या? मेडिकल टीम नहीं आई है, आए थे एक बार, चेक किए, चार जने का सैंपल लिए बिना वो चले गए, उनका हो गया बोल करके सिफारिश में चले गए। तो ऐसे किसी का रात को जो है एक महिला की यहाँ पर मौत होने की खबर आ रही है, बताएंगे कैसा किस प्रकार से घटना घटा? वो सोई थी और सांस उसका बढ़ते गया, चिल्लाने लगी, ये बा ए माँ ए बा ए माँ करके चिल्ला रही थी। सब निकले, देखे तो पूरा सांस भर रहा था। और उस स्थिति में हम लोग किसी को सरपंच को फोन किए, सरपंच 108 को फोन करो, यो को फोन करो, ऐसे बोले। तो हमको जानकारी तो रात को जो है आप लोग फोन किए तो सरपंच आए थे यहाँ पर? सरपंच नहीं आया, उसको फोन 108 को पहले फोन करो बोले। सरपंच नहीं आया था आप जब फोन किए थे? नहीं आए थे, अंदर नीचे आए, फोन करो 108 को, 112 को ऐसे बोले। तो उसने फोन किए तो मेरा नाम पूछ कर, तो मैं ही फोन किया था, मेरा नाम लेकर के था। फिर कहाँ पर कैसे लाकर स्कूल में लाकअप में है ऐसे बोले तो आया था गाड़ी, तब सरपंच भी आए, फोटो आ रहा है। किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? यहाँ पर पेयजल के लिए कोई व्यवस्था है यहाँ पर? पानी वानी पीने के लिए? पीने के लिए 10 बजे सौर्य ऊर्जा से निकलती है, 10 बजे पानी निकलता है। उससे तो पहले अगर आपको पानी पीना होगा तो कैसे करते हैं आप लोग? उसके पहले पानी पीना है तो किसी को देखते हैं, तो मतलब जुगाड़ के भरोसे पानी भी मिल रहा है? मतलब बाल्टीन पकड़ते हैं, उसमें डाल देते हैं, उसको लेके। नाम है आपका? मेरा नाम मोती चरण पांडे है। पांडे जी, बताइए आप कब से यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में? मैं 10 दिन से, 25 तारीख से। किसी भी प्रकार का आपको कोई सैंपल लिया गया है यहाँ से? नहीं, कोई सैंपल नहीं लिया गया। और खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? घर से आता है खाना, टिफिन आता है टाइम टू टाइम, उसके बाद जाता है। लेकिन पांडे जी, यहाँ पर शासन प्रशासन तो कह रही है कि जो है क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने की व्यवस्था करवा रहे हैं, अन्य भी जो सामग्री है उसकी भी व्यवस्था करवा रहे हैं, तो ये बताइए कुछ मिल पाता है आपके शासन की ओर से? नहीं, कोई भी यहाँ प्रोवाइड नहीं किया जाता। और सरपंच सचिव के द्वारा कोई व्यवस्था आपके लोग? नो, नहीं। आप लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर? यस। और कल जो है एक महिला की मौत होने की जो है खबर आ रही है, तो बताएंगे किस प्रकार से, क्या परिस्थिति है यहाँ पर? उनको सांस लेने में प्रॉब्लम गया और वो करीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ही मतलब बेहोश हो गए थे। और जब आप लोग कॉल किए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को भी और सरपंच को भी, तो उनसे तत्काल कोई मदद मिल पाया या नहीं मिल पाया, ये बताएंगे? तत्काल नहीं मिला, कुछ देर बाद ही आए थे। और सरपंच आए थे यहाँ पर कल? आए थे बट कुछ देर बाद आए थे, लेट में आए थे। तो क्या सोचते हैं पांडे जी, सरकार के जो दावे हैं, सरकार बोलती है कि पूरे व्यवस्था करवा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में, लेकिन आपका कहना है कि किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है, तो आगे सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे आप? बस पानी और ढंग की बिजली का मांग करना चाहेंगे। पानी तक की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? पानी 10 बजे आता है, 2 बजे तक रहता है, चले जाते हैं, मतलब बोर की कोई सुविधा नहीं है, सौर ऊर्जा का काम चलता है, अगर किसी दिन धूप ना निकले तो उस दिन पानी का कोई व्यवस्था नहीं रहता। पंचायत से आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? पंचायत से बस सर अंदर हैं, बस वही है। अच्छा, बाकी भगवान भरोसे है पूरा? 20 दिन हो गए। अभी जो खत्म है ओमन के कार्यस्थल, आप मन मम्मी माँ। अच्छा, ये बताओ क्या घटना घटी इसका? मम्मी बोले नहीं है। यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में जो है एक महिला की जो है मृत्यु होने की खबर आ रही है, इसके बारे में बताएंगे किस प्रकार से मृत्यु? वो तो पहली बार मजदूर नहीं है जी, और 23 तारीख आई थी। कहाँ से आई थी? सारंगढ़ से। और उसको 2 बजे हमको लगभग रिपोर्ट आई कि उसका तबीयत थोड़ा खराब है जी, 2 बजे रात को। हाँ, 2 बजे रात को जी। उसके बाद 112 बुलाए और उसमें एडजस्ट नहीं हुआ जी, वो बुलाए 108 को और उसमें ले गए। महोदय, तो यहाँ उनकी मृत्यु जो है क्वारंटाइन सेंटर में हुई है? नहीं, क्वारंटाइन सेंटर में नहीं हुई है।
उसको क्वारंटीन सेंटर में क्यों रखा गया था और कहाँ से आई थी वो? वो सारंगढ़ से आई थी। सारंगढ़ से कितने तारीख को आई थी? 23 तारीख को। तो उसको पंचायत के तरफ से जो है क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था? नहीं, पंचायत की तरफ से नहीं, वो 23 तारीख आए थे, उसके बाद हमको आदेश हुआ कि गर्भवती और शिशुवती रखना नहीं है जी। तो फिर इनको यहाँ पर कैसे रखा गया? तो उनको पहुँचा दिया उनके घर, उनके घर पहुँचा दिया जी। तो उनके पारा वाले हम घुसने नहीं देंगे बोल के झगड़ा, मतलब यहाँ से जो है उनको आप क्वारंटाइन सेंटर पे घर पहुँचाते, उसके बाद फिर जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया? कौन लाया जबरदस्ती यहाँ पर? खुद आई, खुद आई हो जबरदस्ती। तो आप लोग कोई मना नहीं किया? आप लोग क्वारंटाइन सेंटर में जो है आपको तो छुट्टी दिया गया, फिर क्यों आ रहे हैं बोलते? बोले तो झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा किया। तो अभी महिला की मृत्यु हुई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए सचिव महोदय? मजदूरों का कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण महिला की मृत्यु हुई है, इसके लिए क्या पंचायत जिम्मेदार है? नहीं नहीं। तो फिर पंचायत की ओर से क्यों उनको व्यवस्था नहीं दी जा रही है? मैं तो अपना मर्जी में यहाँ रखी। नहीं नहीं, मजदूरों का कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं नहीं, झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। मजदूर से बिना खाना खाए बिना पानी की व्यवस्था में कोई रुकना चाहेगा सचिव महोदय? क्या आप रुकना चाहेंगे ऐसे? नहीं नहीं चाहेंगे।